हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलियस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, जहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, जो भी हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है? प्ले लिस्ट में जाकर वहां पे आप देख सकते हो सारी की सारी क्लासेस, जो आपका नया सिलेबस है उसकी क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको प्ले लिस्ट में नहीं मिलता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डली हुई है, साइंस की लिंक डली हुई है, और साथ में मैथ्स की लिंक के साथ साथ हमारे ऐप की भी लिंक डली हुई है, जहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वही हैंड रिटन नोट्स और साथ में प्रिंट नोट, सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे ऐप में, ठीक है? ऐप की भी लिंक डली हुई है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? तो आज की क्लास जो है वो, उसमें हमारा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु। तो हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड दिया गया है। ये कौन सा है, ये क्या है? हमारे पास एक रेखाखंड दिया गया है जो ए से जी तक जाता है, ठीक है? ए से जी तक जाता है। तो ए हमारा कहाँ पे है? ए भाई हमारा यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि डी जो है, ये जो डी है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये हम कैसे मापेंगे भाई? तो हम ए से डी तक चलेंगे। पहले कहाँ चलेंगे? ए से डी तक चलेंगे। तो हम भाई चलते हैं ए से डी तक। ए से डी तक हम कैसे चलेंगे? देखो, ए से डी तक कौन कौन से पॉइंट पॉइंट जो है वो हमारे आते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए डी। ए डी में हमारे पास क्या आ रहा है? ए डी जो है कैसे आ रहा है? ए डी में जब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करेंगे तो ऐसे ही तो आएगा। तो यही बात हमको लिख देनी होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है? अब उनके बीच की दूरी कितनी है? एक यूनिट। इसके बीच की एक यूनिट, इसके बीच की दूरी भी एक यूनिट है। तो हम क्या कर देंगे इसको, एक प्लस एक प्लस एक, ठीक है? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही अब हम चलेंगे, कहां से चलेंगे? डी से लेकर डी जी तक चलेंगे। कहां से चलेंगे? डी से लेकर जी तक चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी जी। डी जी हमारा कैसे आएगा? ये भी ऐसे ही आएगा, डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। सेम ऐसे ही हमको यहाँ पे लिख देना है, डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, ठीक है? अब इनके भी बीच की यूनिट भी कितनी, एक एक है, ठीक है? एक यूनिट यहाँ, एक यूनिट यहाँ, एक यूनिट यहाँ। तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही कर देंगे, एक प्लस एक प्लस एक, ठीक है? तो ये हमारा कितने का बराबर, 3 हो गया। अब भाई कोई बिंदु है, इसके इधर 3 यूनिट है, इधर इसके इधर भी 3 यूनिट है, इसका मतलब इधर भी बराबर दूरी है, इधर 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 दोनों ही बराबर दूरी है। इसका मतलब ये जो बिंदु है बीच में हुआ। ऐसे ही डी के इधर साइड में 3 यूनिट है, इधर भी साइड में 3 यूनिट है, इसका मतलब डी जो है बिल्कुल मध्य में हो गया, ठीक है? तो अब हमें सेम यही लाइन यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे हमें लिख देना है, अतः स्पष्ट है कि डी एजी का, डी एजी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है? इस तरीके से हम कर देंगे। तो ये हमारा पांचवा वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो ये रहा हमारा छठा वाला क्वेश्चन, ठीक है? छठे वाले क्वेश्चन में हमसे ये क्या कह रहे हैं, रे बी जो है रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है? और सी जो है रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए ए बी बराबर सी डी की है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या कहा है, एक रेखा है हमारी, कौन सी है, ए सी। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया ए सी, ठीक है? ए सी के बीच में इन्होंने क्या कहा है, बी स्थित है। ये बी सी में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है? इसके बीच में इन्होंने क्या क्या कहा है, बी है, ठीक है? इसके मध्य में है, इसका मतलब मान इसके मध्य में है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारी बराबर हो गई। मतलब इसके मध्य का मतलब क्या हो गया, तो हम सेम यहाँ पे लिख सकते हैं, एसी जो है वो किसके बराबर हो, एसी जो है वो कैसे हो गया, या कह लो ए बी बराबर एसी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? चाहे तो आप इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने को। जो बेस्ट तरीका और इजी तरीका होगा वही हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी रेखा खंड बिंदु बी, बिंदु बी रेखा खंड
एसी का मध्य बिंदु क्या है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर है। ठीक है, मतलब ए बी और बी सी जो है इसके मध्य बिंदु, इसके एसी के बीच में हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली ए बी और बी सी जो है वो बराबर हो गई। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक और बात कही है, सी जो है बी डी का मध्य बिंदु, मतलब सी जो ये वाला जो हमारा पॉइंट है सी, वो किसका मध्य बिंदु है, बी डी, मतलब इस, और इन्होंने एक और बात बोल दी है, ए बी सी डी जो है एक ही रेखा में, मतलब डी हम यहाँ पे बना देते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, बी सी जो है, ठीक है, सी बिंदु जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है, मतलब अब हमारी बी सी और सी डी बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि सी जो है बी डी के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिंदु सी रेखा खंड बी डी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे ही इसका मतलब क्या हो गया, बी सी और सी डी बराबर है, बी सी और सी डी बराबर है, इसको चाहे तो समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से, समर एक और दो से हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए बी बी सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, भाई ये इसके बराबर है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इसके बराबर हो गया, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, अब यही हमसे प्रूव करने को बोला था, और ये चीज जो है वो हम प्रूव करके ले आ चुके हैं। ठीक है, हम इसको प्रूव करके ले आ चुके हैं, तो क्वेश्चन सिक्स भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे अपना सातवां वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा हमारा सातवां वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है पांच त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा है। ठीक है, तो हमसे इन्होंने क्या बात की है, हमसे इन्होंने त्रिभुज खींचने की बात की है, तो भाई त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरीके से, पांच त्रिभुज इन्होंने बनाने हैं, ठीक है, पांच तो नहीं बनाएंगे लेकिन हम आपको एक से समझा देते हैं, और बाकी जो है बच्चे, मतलब बाकी आप अगर करना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, मान लो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, और इसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस टाइप का हमने एक त्रिभुज खींच लिया, तो हमको क्या बताना है, पहले तो हम सारी लंबाई लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी कितनी है, बी सी कितनी है, ए बी जो है वो कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर हमने रखी है। ठीक है, बी सी हमने कितनी रखी है, बी सी हमने 4 सेंटीमीटर रखी है, और ए सी जो है वो हमने कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर रखी है। इन्होंने कहा है कि कोई भी हमारा त्रिभुज जो है, ठीक है, उसकी दो लंबाइयों का योग, इनका हम योग कर लेते हैं, वो तीसरी भुजा से ज्यादा ही होना चाहिए, तो हम यहाँ यही चीज सेम यहाँ पे करने वाले हैं, ए बी प्लस बी सी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी, ये कहा है प्रश्न में, ऐसा होना चाहिए, तो हम भाई देख लेते हैं, ए बी हमारा 2 है, बी सी जो है वो हमारा 4 है, और ये हमारा 6 है, ठीक है, 6 नहीं 5 है ये हमारा, ठीक है, और 2 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा, इधर हमारा 5 है, तो मतलब ये कंडीशन जो है वो फिलफिल हो रही है, 6 जो है वो बड़ा ही होता है 5 से, और यहाँ पे भी आ गया है, ऐसे ही चाहे तो आप ये भुजा भी ले सकते हो, दूसरी ये वाली भुजा ले सकते हो, जैसे कि मान लो ए बी और हम ए सी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको हम बड़ा करना चाहते हैं किससे, बी सी से, तो भी हमारी कंडीशन फिलफिल हो जाएगी, कैसे, ए बी की लंबाई 2 है, ए सी की लंबाई 5 है, और बड़ा किससे हो जाएगा ये, बी सी से, बी सी की 4 है, तो ये हमारा 7 आ रहा है, 7 हमेशा 4 से बड़ा हो रहा है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए बी, ठीक है, ए बी नहीं, इस बार ए बी को उधर रखेंगे, इसको हम ए सी कर लेते हैं, ए सी प्लस बी सी, ठीक है, बड़ा है किससे, ए बी से, तो ए सी की लंबाई 5 है, बी सी की लंबाई 4 है, और ए बी की लंबाई कितनी है, 2 है, ठीक है, ये हमारा 9 आएगा, और ये हमारा 2, 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है, किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा ही होगा, तो किसी मतलब कई तरीके से कर सकते हैं, हर बार हम देखेंगे वो तीसरी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक है, यही करना था, इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन और अपनी मर्जी से बना सकते हैं, तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो है 5.1 जो है वो हमारी पूरी पूरी कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,
मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें अपने ग्रुप्स में। आजकल सबका ग्रुप्स बना हुआ है तो शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है भाई उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है भाई जल्दी से कर लो माय चैनल को सब्सक्राइब, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।